डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। जैसा कि केमिस्ट्री में हम लोग ऑर्गेनिक सेक्शन को देख रहे थे, ऑर्गेनिक पार्ट्स में चल रहे थे। ऑर्गेनिक में हम लोग जो चल रहे थे वो पहला चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम है हेलो एल्केन और हेलो बेंजीन। अब हेलो एल्केन और हेलो बेंजीन में सबसे पहले हम लोग हेलो एल्केन के बारे में सीख रहे थे। अच्छा, उसमें भी हाइड्रोकार्बन को हम लोग सबसे पहले पढ़े, और हाइड्रोकार्बन में एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग सीखे। अब चलिए हम लोग आइए आते हैं, हेलो एल्केन पढ़ते हैं। हेलो एल्केन, जैसा कि जानते हैं हेलो एल्केन का निर्माण जो होता है वो कैसे होता है। तो हेलो एल्केन का जो फॉर्मेशन होता है वो हैलोजन हैलोजन और एल्केन के मिलने से बनता है, यानी कि हैलोजन और एल्केन के मिलने से हेलो एल्केन बनता है। अच्छा, हेलो हेलो एल्केन जो बनता है वो हेलो एल्केन कैसे होता है, तो हैलोजन और एल्केन के बनने से हेलो एल्केन बनता है। और दूसरी बात अगर करें तो हैलोजन का मतलब भी हम लोग सीखे हैं कि हैलोजन क्या है। तो हैलोजन क्या है, हैलोजन एक वर्ग 17 का तत्व है जिसको हम लोग एक्स से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, एक्स से, जिसमें पांच तत्व होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। ठीक है, तो हेलो एल्केन जो बनता है हैलोजन और एल्केन के कैटेगरी से बनता है। अब हैलोजन का तो मतलब जानते ही हैं, हैलोजन हुआ एक्स, अर्थात अर्थात आपको पता है ना एल्केन का फार्मूला क्या होता है, तो CnH2n+2, कल हम लोग पढ़े पिछले दिन। और इसके साथ हैलोजन को जोड़ते हैं, हैलोजन बोले तो एक्स, यानी कि जब CnH2n+2 को एक्स से के साथ अगर ऐड करते हैं, उसको जोड़ते हैं, तो हमें क्या बनता है, हेलो एल्केन बनता है। हेलो एल्केन बोले तो CnH2n+1X, देख पा रहे होंगे CnH2n+1X, और प्लस बाहर हो जाता है, आप देख पा रहे होंगे CnH2n+X, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो है वो रिलीज हो जाता है, बाहर हो जाता है। ठीक है, अब जरा इन चीज़ों को हम लोग समझते हैं कि आखिर ये हैलोजन बनता कैसे है। ठीक है, ये हैलोजन बनता कैसे है, इसका एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग कर सकते हैं। जैसे अगर मान लिया कि CnH2n+2 है, तो एन के जगह पे तो हम लोग कोई भी रख सकते हैं। जब आप समझिए, एन के जगह पे अगर आप 2 रखिएगा तो एग्जाम्पल नंबर 2 कैसा बनेगा, C2H6 बनेगा ना। यहाँ पे रखेंगे 2, 2 का डबल 4, 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6, और इसको x, x के जगह पे क्या क्या रख सकते हैं। देखिए, x जो है ना कोई तत्व नहीं है, x जो है सूचित किया जाता है हेलोजन को, और हेलोजन क्या होता है, तो वर्ग 17 के तत्व होते हैं। और वर्ग 17 में कौन कौन से तत्व हैं, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन, जैसा कि हम लोग पीछे पढ़े भी हैं। तो इस एक्स के जगह पे कुछ भी रखा जा सकता है, जैसे मान लिया क्लोरीन, सीएल भी तो इसी के अंतर्गत आता है ना, तो क्लोरीन रख दिया। अब इससे क्या बनेगा, तो इससे क्या बनेगा, तो देखिए CnH2n+1 है, देख पा रहे होंगे यहाँ पे 1 है। 1 का मतलब क्या, यहाँ जो 2 था उससे घट के यहाँ 1 हो गया है, मतलब कि यहाँ C2H6 है, तो यहाँ आप रखिए C2H5। ठीक है, और जो यहाँ पे Cl ऐड किए हैं उसको Cl को ऐड कर दीजिए, और एक जो हाइड्रोजन बचेगा वो तो प्रिसिपिटेट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोगों को बन रहा है यही है हेलो एल्केन। अब इसका नाम क्या होगा, तो देखिए यहाँ क्लोरीन है तो इसका नाम होता है क्लोरो, क्लोरो। ठीक है, और ये तो एल्केन का कैटेगरी का है ना, तो इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम हम लोग कल पढ़े थे एथेन होता है। ठीक है, एथेन, क्योंकि हम लोग कल ये भी सीखे हैं कि जब एक नंबर रहेगा तो मेथ होता है, दो नंबर रहता है तो एथ होता है।
फिर तीन नंबर रहता है तो प्रूफ होता है, चार होता है तो ब्यूट, फिर पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और अडेक, इस तरीके से होता है। तो आप इसके नीचे इसका नाम लिख दीजिए एथेन, और इसको अब हम लोग क्लोरीन को ऐड कर रहे हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो एथेन, क्लोरो एथेन। तो इस तरीके से हम लोग इसका नाम खुद से भी बोल सकते हैं, जिसको जोड़ेंगे, अगर यहाँ आयोडीन जुड़ता तो आयोडो एथेन हो जाता। और ऐसे ही हम लोग और भी एग्जाम्पल कर सकते हैं, जैसे मान लिया C4H10 है, ठीक है, प्लस अब की बार हम इसको जोड़ रहे हैं BR जोड़ रहे हैं, तो क्या बनेगा साथियों, मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ पे जो बनेगा वो कैसे बनेगा, C कितना है 4, तो आप लिखिए C4, H यहाँ पे कितना है 10, तो 10 से एक घट जाता है, क्योंकि इसका रूल नियम में देखे हैं, देखिए यही रूल है, यूँ बोले तो आप अर्थार्थ में जो लिखे हैं ना, इसको रूल भी लिख सकते हैं, रूल करके लिख लीजिए कि ये नियम है हेलो एल्केन का। और यहाँ पे जो बनता है इसका नाम हो जाता है हेलो, हेलो का मतलब क्या, क्लोरो ब्रोमो आयोडो, ये हो गया हेलो, है ना, हेलो का मतलब होता है इसी का मैं ओ जोड़ देना, जैसे क्लोरो आयोडो, फिर हो गया ब्रोमो फ्लोरो, है ना, तो इसलिए हेलो, और ये हो जाएगा एल्केन। तो याद रखिएगा हेलो एल्केन जो बनता है हेलोजन और एल्केन के मिलने से बनता है। जरा हम इसका बात कर रहे थे, C4H10 को बीयर के साथ ऐड करेंगे, मिलाएंगे तो क्या बनेगा, C4H का कितना नंबर है 10, तो यहाँ H कितना बनेगा, जी हाँ बिल्कुल 9 बनेगा, और एक BR को ऐड कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा BR। तो इस तरीके से अब इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम देखिए, हम बार बार बोलते हैं कि आने वाले जो क्लास होती है ना वो आपके लिए नई नहीं होती है, क्योंकि आपने पीछे क्लास में पढ़ रखा है। अब देखिए, अब किसी को इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कब, जब वो ये जानता है तब, अगर ये जानता है वो, तो फिर आने वाले टाइम में अभी 12वीं क्लास में उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वो ये वाला के बारे में उसको पता है, ये वाला के बारे में उसको पता है कितना, ब्यूटेन, ठीक है। अब ये चीज़ नहीं आता होगा तो फिर प्रॉब्लम है। तो अगर आप इन चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो हम कई बार बोले हैं पिछले क्लास में भी और इसके पिछले के पिछले क्लास में भी, कि आप 10th क्लास की जो केमिस्ट्री की बुक्स है उसको आप देखिए, एक से लेकर कार्बन की संख्या को आप याद रखिए, तो वहीं से कार्बन 4 नंबर पे आता है ब्यूट, और चूंकि यहाँ पे 2 गुना से 2 ज़्यादा हो रहा है, 4 दुना का 8 और 2 10, तो एन जोड़ते हैं, तो इस तरह से ब्यूटेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पहले कौन जुट रहा है, पहले तो हेलो का नाम लिखा जाता है, तो यहाँ पे जुट रहा है ब्रोमीन, तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो, ठीक है, और यहाँ पे नाम क्या होगा, तो इसका नाम ब्यूटेन है, तो ब्रोमो ब्यूटेन, समझ पा रहे हैं ना। तो इस तरीके से हम लोग कई एग्जाम्पल और कर सकते हैं, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल हम अधूरा छोड़ देते हैं, और उसका नाम के साथ आपको लिखना है, ठीक है। तो हम आगे देते हैं, C3H8+F, क्या बनेगा इसका नाम के साथ लिख लीजिएगा, अच्छा C6H14+Cl, इसका क्या बनेगा, इसका भी लिख लीजिएगा। फिर आइए पांचवा देखते हैं, तो पांचवा इस तरीके से लिखिएगा आप, पांचवा है C5H12+I, क्या बनेगा, छठा, फिर है C7H16+Br, सातवां क्वेश्चन है C3H8+Cl। तो आप इन अभिक्रिया को, या फिर बोल सकते हैं कि ये जो चीज़ें हम लोग लिखे हुए हैं आप इसको बिल्कुल कंप्लीट ले कीजिए। चलिए आइए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, जिसका नाम है हैलाइड, ठीक है। अब हैलाइड्स के बारे में पढ़ते हैं कि हैलाइड्स क्या होते हैं, हैलाइड्स टॉपिक बनाइए, हैलाइड्स, अब लिखेंगे हैलाइड्स के बारे में कि हैलाइड्स क्या है, लिखेंगे
हैलाइड्स के बारे में, आवर्त सारणी के वर्ग सत्रह के तत्व जिन्हें हैलोजन कहा जाता है, जिन्हें हैलोजन कहा जाता है, वे हैलोजन परस्पर अलग अलग हाइड्रोकार्बन के साथ अलग अलग हाइड्रोकार्बन के साथ मिलकर 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 अपनी अलग अलग संरचना अपनी अलग अलग संरचना प्रदान करती है प्रदान करती है जिन्हें जिन्हें हैलाइड्स कहा जाता है जिन्हें हैलाइड्स कहा जाता है जिन्हें हैलाइड्स कहा जाता है। चलिए अब हम लोग क्या सीखे हैलाइड्स के बारे में, कि जो हैलोजन होता है ना वर्ग 17 का, वो हैलाइड, हैलाइड का मतलब बोले तो हैलोजन, और हैलोजन बोले तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और अनस्टेटाइन, यही ना होते हैं। तो आपको जानना चाहिए कि यही वर्ग आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्व हैं जिन्हें एक्स से सूचित किया जाता है, और एक्स बोले तो हैलोजन, और यही हैलोजन से बना है हैलाइड, और हैलाइड किसको कहेंगे, तो यही जो हैलोजन है वो अलग अलग तरीके से हाइड्रोकार्बन से जुटते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन के साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हेलो एल्केन ही बनाते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके का भी फॉर्मेशन करते हैं। यानी आपको जानना चाहिए कि ये जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन तो समझ रहे हैं जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन का कम्बिनेशन है, उसमें अगर कोई भी हैलोजन आकर जुटता है तो कई तरह की संरचना हम लोगों को प्रदान होती है, प्राप्त होती है, प्रदान करती है, वही कहलाता है हैलाइड्स। तो चलिए आगे जानते हैं कि हैलाइड्स जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, क्योंकि हैलाइड्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, और फिर हम लोग आगे सीखेंगे कि हैलाइड्स का जो होता है नामकरण कितने तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे आगे नेक्स्ट एरो देकर, हैलाइड्स के सेकेंड एरो देकर लिखेंगे हैलाइड्स के सात प्रकार होते हैं, हैलाइड्स के सात प्रकार होते हैं, हैलाइड्स के सात प्रकार होते हैं। पहला एल्किल हैलाइड, इसी को हम लोग हेलो एल्केन पढ़ते हैं, हेलो एल्केन बोलते हैं, जैसे कि अभी हम लोग पढ़े हेलो एल्केन के बारे में। तो यू बोले तो हैलाइड्स का ही ये पहला प्रकार है, एल्किल हैलाइड या फिर हेलो एल्केन, इसी को बोलते हैं। दूसरा पढ़ेंगे, दूसरा नाम है एलील हैलाइड। देखिए ये एल्किल है और अभी हम लोग पढ़ेंगे एलील हैलाइड। तीसरा बेंजील हैलाइड। चौथा वाइनिल हैलाइड। पांचवा का नाम है एरिल हैलाइड। छठा विसिनल हैलाइड।
हैलाइड। सातवां, सातवां का नाम है जैम हैलाइड, जो कि लास्ट है, जैम, जैम हैलाइड, ठीक है। तो आपको जानना चाहिए कि वो जो हैलोजन है, यानी कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये किसी भी हाइड्रोकार्बन के साथ कितने तरीके से जुड़ सकते हैं। तो टोटल 7 तरीके से जुड़कर एक संरचना प्रदान करती है, जिसको हम लोग अलग अलग हैलाइड्स के नाम से जानते हैं। तो टोटल अगर बात किया जाए तो हैलाइड्स के 7 टाइप्स हैं। देर आर 7 टाइप्स ऑफ हैलाइड, 7 तरीके के होते हैं, जिसमें पहला का नाम है एल्किल हैलाइड। पहला का नाम क्या है? एल्किल हैलाइड, जिसको हम लोग हेलो एल्केन के नाम से भी जानते हैं, जो कि हम लोग अभी पढ़े। ये सारा जो आपको बनाने के लिए दिए हैं, ये हेलो एल्केन का ही है। तो यूं बोले तो हम लोग तो पहला पढ़ लिए हैं, समझ में आ रहा है ना। अब जब भी पढ़ेंगे तो एलिल हैलाइड से ही हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, चूँकि इसका पहला टाइप्स को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, दूसरा का नाम है एलील हैलाइड। देखिए, एलील है, एक ठो एरिल है, तो दोनों में अंतर है। जैसा कि आप केमिस्ट्री में ही पढ़े होंगे, मोलरता और मोललता, ठीक है, मोललता अलग है, मोलरता अलग है। उसी तरीके से यहाँ पे भी एलील और एरिल दोनों अलग अलग हैलाइड्स हैं। तो टोटल 7 तरह के हैं। पहला एल्किल, जो उसकी हम लोग डिस्कस किए, दूसरा एलील हैलाइड देख पा रहे होंगे, तीसरा बेंजील हैलाइड, चौथा वाइनिल हैलाइड, पांचवा एरिल हैलाइड, और छठा विसिनल हैलाइड, और लास्ट है जैम हैलाइड, ठीक है। तो अब आइए स्टार्ट करते हैं। छोटा छोटा पॉइंट्स है और छोटी छोटी बातें हैं, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग जानेंगे कि क्या होता है एलील हैलाइड, क्या होता है बेंजील हैलाइड। एकदम छोटे छोटे पॉइंट्स है, सब उसका संरचना के बारे में हम लोग सीखेंगे कि ये क्या होते हैं। चलिए, तो अब टॉपिक बनाएंगे हम लोग, टॉपिक बनाएंगे कौन सा, तो एलील हैलाइड, एलील हैलाइड, एलील हैलाइड टॉपिक बनाइए। टॉपिक बना दिए होंगे एलील हैलाइड। अब एलील हैलाइड के बारे में सीखते हैं। तो पहले एलील हैलाइड के बारे में कुछ लिख दिया जाए, एलील हैलाइड के बारे में कुछ लिखा जाए। तो लिखा जाए इसमें हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के, हाइड्रोकार्बन के कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच, कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध होता है, द्विबंध होता है, और जब जब इन द्विबंध वाले हाइड्रोकार्बन के साथ, और जब इन द्विबंध वाले हाइड्रोकार्बन के साथ हैलोजन, हैलोजन जुड़ते हो तो, जुड़ते हो तो इसे, इसे एलील हैलाइड कहा जाता है, इसे एलील हैलाइड कहा जाता है। चलिए, अब एलील हैलाइड के बारे में जरा समझते हैं कि एलील हैलाइड क्या है। आपको जानना चाहिए कि एलील हैलाइड बिल्कुल सिंपल है। आपको करना क्या होता है कि कोई भी कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का तो मतलब समझते हैं, इसका एग्जांपल बहुत तरह से हो सकता है। जैसे मान लिया कि एलील हैलाइड को समझने के लिए आप कोई भी डबल बॉन्ड वाला कार्बन लीजिए, ये देखिए डबल बॉन्ड वाला कार्बन हो गया। अब इसके साथ अगर कोई भी एक्स को जोड़ते हैं, कोई भी एक्स, ये जनरल रूल हो गया, तब इसको हम बोलेंगे एलील हैलाइड। यानी कि दो गो कार्बन होना चाहिए और दोनों कार्बन में, दोनों कार्बन में क्या होना चाहिए, तो
कोई एक कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ना चाहिए। जैसे ये रूल लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल उसके नीचे लिखते हैं। एग्जाम्पल पहला, जैसे मान लिया कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पे हम लोग एक्स के जगह पे तो सी एल जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे दो और एक तीन, और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन, एक ठो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। तो ये एग्जाम्पल नंबर वन हो गया, यानी कि एलिल हैलाइड उसको कहते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए, और उसी से फिर अगर एक्स जुड़ता है यानी कि हैलोजन जुड़ता है तब उसका नाम हो जाता है एलिल हैलाइड। तो इसको हम बोलेंगे एलिल हैलाइड। क्यों? देखिए, एलिल हैलाइड को पहचानना का नियम है कि कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध होना चाहिए, द्विबंध का मतलब डबल बॉन्ड होना चाहिए, और उसके साथ कोई भी एक्स जुड़ा होना चाहिए। एक्स का मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एन्स्टेटाइन। तो उसके साथ अगर कोई भी एक्स अगर जुड़ा हुआ है तब उसका नाम हो जाएगा एलिल हैलाइड, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर टू, अगर मान लिया कि कार्बन 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 इतना सारा कार्बन है, अब कहीं एक जगह डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो हम मान लिया जाए कि डबल बॉन्ड यहाँ दे दिए, तो इसके साथ जोड़ेंगे एक्स को। एक्स का मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो हम लोग एफ को जोड़ देंगे फ्लोरीन, तो बाकी जगह यहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड, यानी कि कहीं भी डबल बॉन्ड होना चाहिए एक जगह। कैसे हम लोग एल्कीन पढ़ रहे थे, अगर वो वाला डबल बॉन्ड के साथ अगर कोई भी एक्स जुड़ा रहे, एक्स का मैंने फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, यहाँ पे फ्लोरीन जुड़ा है, तो अब कितना कितना घट रहा है, तो यहाँ पे दो घट रहा है, तो दोनों हाइड्रोजन जोड़ देंगे। यहाँ पे कितना घट रहा है इस कार्बन को लेकर, तीन तो है, एक घट रहा है, एक हाइड्रोजन। यहाँ पे कितना है, तीन है, तो कहीं भी लिख सकते हैं ऊपर नीचे, यहाँ तीनों तरफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इस तरीके से हम लोग इतना कर सकते हैं। अगर हम लोग तीसरा का बात करें एग्जाम्पल का, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और सिंगल बॉन्ड कार्बन, और फिर ब्रोमीन को जोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से ये सब जो हो गया हम लोगों का एग्जाम्पल के तौर पे हो गया कि क्या कर सकते हैं, इसको एलिल हैलाइड बोल सकते हैं। यानी एलिल हैलाइड का मतलब ये हुआ कि एक जगह कार्बन कार्बन के बीच द्विबंधन होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, और वो डबल बॉन्ड वाला कार्बन या हाइड्रोकार्बन जब अगर कोई भी हैलोजन से जुड़ता है, कोई भी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से जुड़ता है, तब उसको हम लोग बोल देंगे कौन सा, तो उसको बोल देते हैं हम लोग एलिल हैलाइड। चलिए आइए आगे देखते हैं, जिसका नाम है बेंजिल हैलाइड। तो अब टॉपिक देंगे बेंजिल हैलाइड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अब टॉपिक दिया जाए बेंजिल हैलाइड। चलिए आइए अगला टाइप से, जिसका नाम है बेंजिल हैलाइड। अब हम लोग सीखते हैं कि बेंजिल हैलाइड किसको कहते हैं, बेंजिल हैलाइड का मतलब क्या है। तो इसके नीचे एरो देंगे, लिखेंगे जब जब हैलोजन के तत्व या परमाणु जब हैलोजन के जब हैलोजन के तत्व या परमाणु बेंजीन के कार्बन के साथ बेंजीन के कार्बन के साथ जुड़े हुए होते हैं तो उन्हें बेंजिल हैलाइड कहा जाता है, उन्हें बेंजिल हैलाइड कहा जाता है। देखिए, बेंजिल हैलाइड का मतलब क्या हुआ, इसका जो जनरल रूल है वो क्या बताता है कि मान लिया कोई बेंजीन है, और बेंजीन का तो स्ट्रक्चर आप जानते ही होंगे, ये बेंजीन है, ठीक है, ये बेंजीन है, और इस बेंजीन के साथ कोई भी इस कार्बन के साथ या इस कार्बन के साथ इस कार्बन के साथ कहीं भी एक कार्बन रहना चाहिए। तो जैसे मान लिया कि एक कार्बन है CH2, और इसके साथ अगर एक्स जुड़ा रहेगा तब हम लोग इसको बेंजिल हैलाइड कहते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि ये हुआ बेंजीन रिंग। बेंजीन सिर्फ इतना होता है, ठीक है, इतना होता है बेंजीन, और इस बेंजीन के साथ CH2 को ऐड करके यानी कि एक कार्बन और जोड़ के तब अगर एक्स को जोड़ते हैं तब वो कहलाता है बेंजिल हैलाइड। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं।
पहला एग्जांपल, जैसे मान लिया कि पहले बेंजीन बनाए, अब किसी भी कार्बन, क्योंकि यहाँ पे भी एक कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, हम लोग बेंजीन में सीखे हुए हैं कि यहाँ यहाँ पे सब पे कार्बन छुपा हुआ है, तो इस कार्बन के साथ CH2 देकर अगर यहाँ पे फ्लोरीन जोड़ देंगे तब ये कहलाएगा बेंजील फ्लोराइड, क्योंकि यहाँ F का नाम क्या है, यहाँ हो जाएगा बेंजील हैलाइड नहीं फ्लोराइड, फ्लोराइड ठीक है। अगर दूसरा एग्जाम्पल का बात करें तो आप बेंजीन बना लीजिए, बेंजीन बना लिए, अच्छे से बना लीजिएगा, अच्छा इस कार्बन CH2 जोड़ दिए और यहाँ पे भी आप जोड़ दिए क्लोरीन, तब इसका नाम हो गया क्या, बेंजील क्लोराइड, तो इसको हम लिख देंगे बेंजील क्लोराइड ठीक है। आइए तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, अगर मान लिया जाए कि एक बेंजीन बनाए हम लोग, एक बेंजीन बनाए और इस बेंजीन के साथ इधर भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, मतलब कहीं भी एक कार्बन को ऐड करके कार्बन के साथ ही सटा हुआ रहता है एक्स, जैसे यहाँ पे हम लोग आई जोड़ दिए, तो ये भी कहलाएगा बेंजील हैलाइड के कैटेगरी में आएगा, जबकि इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजील आयो डाइड ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग आज टोटल 7 हैलाइड में 3 हैलाइड को देखे, पहला एल्किल हैलाइड क्योंकि हेलो एल्केन में सीख गए थे, और दूसरा एलिल हैलाइड, और तीसरा बेंजील हैलाइड। अभी भी हम लोग का 4 हैलाइड बचा हुआ है, तो उसको अगले दिन डिस्कस करेंगे, आज तक इतना ही हम लोग समाप्त करते हैं इस क्लास को, फिर अगले दिन हम लोग आगे के जितने भी हैलाइड्स है उसके बारे में सीखेंगे, तो आज तक के इतना ही, धन्यवाद।